बीजेपी की सरकार ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है और आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। कॉफी विद तक सुन लीजिए शरद पवार जी। जब सीबीआई की पूछताछ है जारी तो क्या आज होगी रिया की गिरफ्तारी? Whereas this year we are facing an extraordinary situation that even below the 10% approximate estimation, you are facing an act of God. Didi, ये act of God नहीं, ये तो act of fraud है, fraud. नेता अक्सर कुछ ऐसे बयान देते हैं जिसके बारे में वे शायद ही सोचते होंगे। कई बार नेताओं को उनके बयान की वजह से काफी ट्रोल भी किया जाता है। निर्मला सीतारमण कई बार संकट के वक्त में दिए बयानों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। इस बार भी वे कुछ ऐसे ही बयान की वजह से सुर्खियां बटोर रही हैं। पहले बात करते हैं NSO द्वारा जारी हुए आंकड़ों की। RBI ने पहले ही आशंका जताई थी कि इस बार GDP ग्रोथ नेगेटिव रहने वाला है। अब जो डेटा निकल के आया है उसमें ये साफ हुआ कि पहले क्वार्टर में GDP ग्रोथ नेगेटिव 23.9% है और ये 40 साल में सबसे कम है। दूसरी तरफ निर्मला सीतारमण ने GST काउंसिल की मीटिंग में ये कहा था कि कोरोना वायरस महामारी ने GST कलेक्शन पर काफी बुरा असर डाला है। देश की अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस के रूप में सामने आए असाधारण एक्ट ऑफ गॉड का सामना कर रही है, जिसकी वजह से इस साल अर्थव्यवस्था के विकास की दर सिकुड़ सकती है। The gap which arises in the compensation essentially deriving from the calculation methodology which is already embedded in that, because the act didn't foresee an act of God. It just kept saying protected revenue should be taken care of, and it also said approximately a 10% growth, what is the actual revenue. Whereas this year we are facing an extraordinary situation that even below the 10% approximate estimation, you are facing an act of God which might even result in a contraction of the economy. So kya kehte hain ye log? Ye kehte hain ye to act of God hai. दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। निर्मला सीतारमण का ये बयान ऐसे समय में आया है जब देश की GDP दर नेगेटिव की ओर जा रही है और देश कई अनेक संकटों से घिरा हुआ है। ये समय देश को एक नई उम्मीद जगाने का है, लेकिन ऐसे समय में निर्मला सीतारमण इसे एक्ट ऑफ गॉड बता रही है। राहुल गांधी ने भी अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर सरकार की काफी आलोचना की है। पिछले 6 साल से बीजेपी की सरकार ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है। 3 बड़े उदाहरण तो मैं आपको अभी दे देता हूं। नोटबंदी, गलत GST और लॉकडाउन। आप यह मत सोचिए कि लॉकडाउन के पीछे सोच नहीं थी। यह मत सोचिए कि गलती से आखिरी मिनट पे लॉकडाउन कर दिया गया। इन तीनों का लक्ष्य हमारे इनफॉर्मल सेक्टर को खत्म करने का है। प्रधानमंत्री जी को अगर सरकार चलानी है, मीडिया की जरूरत है, मार्केटिंग की जरूरत है। मीडिया और मार्केटिंग 15-20 लोग करते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में पैसा है। जिस दिन इनफॉर्मल सेक्टर खत्म हो गया, नष्ट हो गया, उस दिन हिंदुस्तान रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा। आप ही इस देश को चलाते हो, आप ही इस देश को आगे ले जाते हो, और आपके खिलाफ साजिश हो रही है। आपको ठगा जा रहा है और आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। दिसंबर 2019 के पास जब प्याज की कीमत 100 रुपए से 150 रुपए किलो तक पहुंच गई थी, तब संसद में किसी ने उनसे प्याज खाने को लेकर बयान दिया था, तो उन्होंने जवाब में ये कहा था कि मैं तो प्याज ही नहीं खाती। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, सो डोंट वरी। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते हैं। अगर कुछ आंकड़ों की बात करें तो पहले ही दिख रहा था कि GDP ग्रोथ रेट लगातार नीचे की तरफ आ रहा है। कई अर्थशास्त्री इसके संकेत सरकार को पहले से ही दे रहे थे। NSO के डेटा के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ रेट -39% के आसपास है और बाकी के सेक्टर की स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं है। इतना ही नहीं, सितंबर और अक्टूबर 2019 के पास
ऑटो सेक्टर काफी मंदी के दौर से गुजर रहा था। कई लोग अपनी नौकरियों को खो चुके थे। तभी निर्मला सीतारमन ने इसकी वजह ओला और उबर को बताया था। That automobile sector in particular and the components together have been affected by several things, inclusive of the BS6 movement, inclusive of registration fee related matter, which we have deferred till June, inclusive of the mindset. Some studies do tell us the mindsets of the millennials who are now preferring not to commit an EMI towards buying an automobile, instead would prefer to have Ola and Uber and everything else, or take the metro. So a whole lot of factors are influencing the automobile sector. We are all seized of the problem, we try to solve it for them. वही प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात में जनता और स्टूडेंट्स को ये उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री JEE और नीट के मुद्दे पर कुछ बोलेंगे या फिर गिरती अर्थव्यवस्था पर। ऐसा तो नहीं हुआ और इतना सब होने के बाद भी हमारा मीडिया भी किन्हीं और ही मुद्दों में व्यस्त दिखाई दे रहा है। मीडिया को देश की अर्थव्यवस्था या जिन लोगों ने नौकरियां या रोजगार खोए उसकी कोई फिक्र ही नहीं है। असली सवाल जवाब तो अब हो रहा ना, लाइट कैमरा एक्शन, सुशांत का क्या चरित्र हनन, रिया चक्रवर्ती के लिए आज रियल इंटरव्यू का दिन है। कॉफी विद तक, सुन लीजिए शरद पवार जी, न्याय का आंदोलन रिया चक्रवर्ती के लिए, उसको ड्रगी और चर्सी बताकर सुशांत की हत्या को आत्महत्या में बदलने की चाल चल रही। सुशांत को धोखे से लगाई गई क्या ड्रग्स की लत? सीबीआई रिया से न सिर्फ सुशांत बल्कि उनके दोस्तों, उनके स्टाफ, परिवार समेत ड्रग्स कनेक्शन को लेकर सवाल दाग रही है। जब सीबीआई की पूछताछ है जारी तो क्या आज होगी रिया की गिरफ्तारी? ड्रग के इस खेल में कौन कौन शामिल है, कौन इसके पीछे खड़ा है? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। जब भी संकट के बादल छाए नजर आते हैं तब वित्त मंत्री की तरफ से अजीब सा बयान सामने आ जाता है। हम उम्मीद करेंगे कि सरकार देश की अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पर लाने के प्रयास करे और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।